नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं नितिन कुमार। देश प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों ने भी अब इस चुनावी तैयारी को और बढ़ाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी, जो कि विधानसभा चुनाव में हारी है, मजबूत विपक्ष के रूप में है, उसने आज सदस्यता अभियान की शुरुआत की। और इस सदस्यता अभियान से उन्होंने ये बताया कि हमारे जो नेता कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच में जाकर के उनको ये बताएंगे कि किस तरह से समाजवादी पार्टी जनता के हित में काम कर सकती है और 2024 को लेकर के किस तरह से हम संकल्पित हैं, हमारे कैंडिडेट को जिताइए, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी जाएगी। 10 मार्च जब उत्तर प्रदेश के नतीजे आए थे विधानसभा चुनाव के, उसके बाद पहली बार अखिलेश यादव आज जनता के सामने आए, मीडिया के सामने आए और उन्होंने कई सारे मुद्दों को लेकर के मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन जो पूरे हुए हैं, उस 100 दिन का खाका हमें नहीं चाहिए। हमें ये नहीं जानना कि उन्होंने 100 दिन में कौन सी उपलब्धि हासिल कर ली, हमें ये जानना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 5 साल में कितना काम किया और 5 साल से जोड़ते हुए आने वाले 5 साल में वो क्या क्या काम करेंगे, इसके बारे में वो हमें बताएं। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी भी सरकार का वही रवैया है जो हमारे कामों को अपना काम बता करके गिनाने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव ने लूलू मॉल का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि ये मॉल जो है ये हमारी सरकार के समय पर बनना शुरू हुआ था, इसकी स्वीकृति हमारी तरफ से हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार अब इसे अपना काम बताने में लगी हुई है। 100 दिन में रोजगार के नाम पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह बताया है कि हमने दरोगा भर्ती की है, 10,000 से ज्यादा पुलिस वालों की भर्ती की है गृह विभाग में, लेकिन दरोगा भर्ती के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार के सबूत आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी दिखाते हुए अखिलेश यादव ने बताया कि कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं जो इस भर्ती में अभ्यर्थी थे वो यहां पर आए हुए हैं। एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि इस भर्ती में एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने ये कहा है कि ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है और इसके जो मंत्री हैं, इनको खुद नहीं पता है कि कब कौन सा ट्रांसफर हो गया है, वो ट्रांसफर किस तरह से सही है या गलत है, मरे हुए का भी ट्रांसफर कर दिया गया है, कैसी सरकार चल रही है, कैसे नेता मंत्री अपना विभाग चला रहे हैं, कई सारे जो आरोप हैं वो अखिलेश यादव ने लगाए हैं। लेकिन सबसे अहम चीज यह है कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी ने भी आज से अपनी सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। जो मंडल स्तर है वहां पर बैठकें की हैं, हार की समीक्षा की है और ये जानने और समझने की कोशिश की है कि आखिर हम 22 के चुनाव को क्यों हारे, उसके पहले हमारा परफॉर्मेंस अच्छा क्यों नहीं रहा, जनता के बीच हम क्यों नहीं पहुंच पाए और 24 को किस तरह से एजेंडे में लाना है, कैसे उस पर फोकस करना है, इन सारों चीज़ों को लेकर के विचार विमर्श और राजनीति और रणनीति जो है वो तय की जा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जब अपने 100 दिन पूरे किए, उन्होंने अपने 100 दिन का खाका बताया, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बाकी विपक्षी दल हैं उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है कि अब सदस्यता अभियान के जरिए पहले लोगों को जोड़ा जाएगा, नेताओं को जोड़ा जाएगा और उसके बाद इस उत्तर प्रदेश के 2024 की जो 80 लोकसभा सीटें हैं लोकसभा की, उसके लिए एक नई रणनीति जो है वो तय की जाएगी। फिलहाल आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सदस्यता अभियान की शुरुआत अखिलेश यादव ने की। उदय प्रताप जो कि बहुत सीनियर नेता है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने अखिलेश यादव को खुद इसकी सदस्यता दिलवाई है और अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की जो नेता कार्यकर्ता है वो जनता के बीच जाकर के जनता को समाजवादी पार्टी की नीतियों के बारे में बताएंगे, पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे, सरकार के कामकाज के बारे में बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार तो उन्होंने इस तरह का काम क्या क्या किया है जनता के हित में। 2017 के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी ने इस सदस्यता अभियान को शुरू किया है। 5 साल के बाद यह सदस्यता अभियान शुरू हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने इसके पहले अपनी सारी जो इकाइयां थी, सारे जो जो उनके जो जो गठन थे वो सारे गठनों को भी उन्होंने भंग कर दिया है। अब किसी भी प्रकार का कोई भी जो 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 इकाइयां हैं समाजवादी पार्टी की वो उनके पास नहीं है। नए सदस्यों को बना करके उन्हीं में से लोगों को चुन करके कहीं ना कहीं इसके जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ जो छात्र सभाएं हैं या फिर लोहिया वाहिनी है, इसकी जो इकाइयां हैं उन के सदस्यों को बनाया जाएगा। इसके अलावा यह भी बताया गया कि 1992 से इस अभियान की शुरुआत हुई थी जब समाजवादी पार्टी ने यह सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी। उस दौरान 2 रुपए
से इसकी शुरुआत हुई थी। पहले 2 रुपए में सदस्य बनते थे, फिर 5 रुपए में, उसके बाद फिर 10 रुपए में, और अब 20 रुपए में समाजवादी पार्टी अब जो सदस्य है वो बना रही है इस समय भी। और आज भी जो सदस्यता अभियान शुरू हुआ है उसमें भी जो सदस्य हैं वो 20 रुपए में बन रहे हैं। पहले 3 साल पर ये होता था, लेकिन 2017 में जब अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान किया कि ये जो सदस्यता अभियान 3 साल पे होता था अब ये 5 साल पे होगा। 17 में हुआ था और अब 5 साल बाद 22 में हुआ है। लेकिन ये तो बात हो गई समाजवादी पार्टी की सदस्यता अभियान की। बहुजन समाज पार्टी ने भी आज मंडल स्तर पर अपनी बैठकें करी हैं, हार की समीक्षा की है और सदस्यता अभियान को बढ़ावा देने की कोशिश की है, नई तरह से रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन इन सबके बीच अखिलेश यादव आज अपने गठबंधन के साथियों के ऊपर भी बयान देते हुए नजर आए हैं। अखिलेश यादव से जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तर प्रदेश में उनके गठबंधन के साथियों से जुड़े हुए सवाल पूछे गए तो अखिलेश यादव ने कुछ इस तरह का जवाब दिया जिसकी शायद अपेक्षा भी उनके गठबंधन के साथियों ने नहीं की होगी। बीते दिनों जब आजमगढ़ और रामपुर की हार हुई थी तो उस दौरान ओम प्रकाश राजभर, जो कि उनके गठबंधन के सबसे मजबूत नेता हैं, उन्होंने अखिलेश यादव को सलाह दी थी और उनके नेताओं को सलाह दी थी कि एसी कमरों से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो नतीजे इसी तरह से मिलेंगे जो कि पहले भी मिल रहे थे और अभी भी मिल रहे हैं। अखिलेश यादव से जब ये सवाल पूछा गया कि क्यों आपके गठबंधन के साथी आपसे नाराज हैं, क्यों वो आपको सलाह दे रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे किसी भी सलाह की जरूरत नहीं है, समाजवादी पार्टी को किसी भी सलाह की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आज की राजनीति की जो तस्वीर है वो बहुत बदल गई है। आज की राजनीति में कौन किस तरह का बयान दे रहा है, कौन क्या कह रहा है, उसके पीछे कौन है और उसके पीछे कौन है, ये भी एक राजनीति का हिस्सा है और उसी राजनीति में कहीं ना कहीं उन्होंने अपने गठबंधन के साथियों को जुड़ा हुआ बताया है। तो ये जो बयान अखिलेश यादव का आया है इससे कहीं ना कहीं ये साफ साबित होता है कि एक तरफ अखिलेश यादव अपनी मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आम जनता की सरकार है उस सरकार ने अपने 100 दिन में और 5 साल में जो काम किए हैं उसमें से ज़्यादातर जो काम है वो समाजवादी पार्टी के समय के काम है जिन्हें बताने की कोशिश की जा रही है, और जो काम गिनाए गए हैं उन कामों में कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, उन कामों की सच्चाई क्या है। तो दूसरी तरफ अपने गठबंधन के साथियों से भी अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए हैं कि मुझे सलाह मत दीजिए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश में ये जो विपक्षी दल हैं, पहले तो इन्होंने अपने जो नीतियां थी उन नीतियों को बदला है 2024 के चुनाव को देखते हुए, अपना जो रोड मैप था उस रोड मैप को बदला है, और ये सिर्फ एक राजनीतिक दल का हाल नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ बसपा ने भी आज से इसकी शुरुआत की है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई सारे प्रयास और कोशिशें जारी हैं, वो भी अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए, संगठन में बदलाव करने में लगे हैं, प्रभारियों को नियुक्त किया जा रहा है कि कुछ भी करके उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा की सीटें हैं और उसके पहले जो नगर निकाय के चुनाव होने हैं उसमें एक बड़ी छाप छोड़ी जाए और उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार को यह बताने की कोशिश की जाए कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के अंदर भी काफी ताकत है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर अखिलेश यादव को सलाह क्यों ना दी जाए, अखिलेश यादव सलाह से क्यों नाराज हैं, और बाकी के राजनीतिक दलों के सामने अब क्या रास्ते हैं, क्या वो भी किसी तरह से सदस्यता अभियान चलाएंगे या उनका कोई और रोड मैप है। कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूं। 100 दिन की उपलब्धि बता रही है सरकार को, वहीं 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए थी, और सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़कर के गए और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। 100 दिन की यही उपलब्धि है, और ये वो डिप्टी सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा छापा मारे। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जहां जहां गए, जहां जहां कमियां देखी गई, अगर किसी पे भी कार्रवाई डिप्टी सीएम कर गए हो तो बता दीजिए। इसका मतलब यह है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूं, कोई नाराज है? ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं। कई बार राजनीति पीछे से ऑपरेट होती है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज समाजवादी पार्टी ने सदस्यता का कार्यक्रम शुरू किया है, लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम है। और
इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए हैं। राम हृदय जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, नितेंद्र सिंह यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सैयद तकी अहमद साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अजय कुमार जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में हैं, और जैनेन्द्र अर्कवंशी हमारे साथ सुभाषपा से जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज की इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जैनेन्द्र जी आपके पास आना चाहूँगा। अखिलेश जी ने एक बयान दिया है आपके नेता के बयान पर पलटवार करते हुए, उन्होंने कहा है कि सलाह की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग क्यों सलाह दे रहे हैं भाई? क्या समाजवादी पार्टी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंदर इतनी समझ नहीं है कि वो आपकी सलाहों के पीछे पड़े हुए हैं कि जब वो हमें सलाह देंगे तभी हम अपने राजनीतिक दल को चला पाएंगे? लेकिन ये सलाह नहीं थी। तब भी हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने ये कहा था कि जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता और पदाधिकारी मुझसे मिलते हैं तो वो मुझसे ये कहते हैं बार बार कि अखिलेश जी कम से कम घर से बाहर निकले तो जो समुदाय है या जो भी मतदाता है उसके अंदर एक जोश उमड़ पड़ता है। अब यही बात चुनाव के बाद भी हमने कही तो उनको लग रहा है कि ये हम सलाह दे रहे हैं। ये सलाह नहीं थी, ये बाकायदा जो उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनकी आवाज। दूसरी चीज ये नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि आपके आपकी ये जो सलाह वाली राजनीति है इसके पीछे कोई और है और उसके पीछे भी कोई और है, ये राजनीति का हिस्सा है, कई सारी चीजें उन्होंने बोली, सुना होगा आपने भी। नहीं मैंने सुना। कौन करवा रहा है आप लोगों से सब? नहीं ये देखिए जो आरोप लगाया है अखिलेश भैया ने तो वो सरासर गलत है कि कोई करवा रहा है। अगर आपको याद होगा हमारी पट्टी पहले भाजपा के साथ 2017 में चुनाव लड़ी थी और चुनावों के बाद विधानसभा में और सड़कों पे भाजपा के खिलाफ उतरती थी, जहां भाजपा गलतियां करती थी, जहां आम लोगों से भाजपा कट जाती थी वहां पे हमारे नेता विधानसभा में और सड़कों पे उनकी आवाज को उठाते थे। तो वो किसी को बुरी लग सकती है, हो सकता है। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि जो काम आज समाजवादी पार्टी ने किया है सभी समितियों को भंग करके, वो काम हम करीब 2-2.5 महीना पहले कर चुके हैं, 18 अप्रैल को कर चुके हैं। अच्छा ठीक है, और वही चीज हम चाहते थे हमारे साथी लोग भी करें, लेकिन क्या चुनाव हारने का इंतजार कर रहे थे अखिलेश भैया? क्योंकि चुनाव हारने के बाद ही उनको समझ आया कि अब मुझे पार्टी में परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन अभी भी शीर्ष पर जो नेतृत्व है प्रदेश का वो उसी व्यक्ति के हाथ में जिनके साथ होते हुए विधानसभा चुनाव भी हारे उत्तर प्रदेश का और उपचुनावों में दोनों सीट हारे। मैं बताना चाहूंगा आजमगढ़ में हमारी 300 पदाधिकारी और टीमें सतत कार्यरत थी और हजारों कार्यकर्ता कार्यरत थे, उन्होंने दिन रात एक कर दिया। इस वजह से ये जो हार हुई है वो हार अकेले सपा की नहीं हुई है। अच्छा। वो हार हमारी भी हुई है तो हमें कहने का हक है, क्योंकि मेरे नेता जी खुद वहां थे, मेरी राष्ट्रीय टीम के पदाधिकारी, प्रदेश टीम के पदाधिकारी सभी लोग थे, हमारा पूरा कार्यकर्ता उनके साथ चल रहा था, धर्मेंद्र भैया के साथ चल रहा था। तो और उसके बाद केवल हमारी एक ही अपील थी कि कम से कम अखिलेश भैया एक बार यहाँ पर जमीन पे आ जाते उस समय तो शायद इतनी बुरी नहीं। तो वो ये कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें इस तरह से आश्वस्त किया था कि आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं भी कॉन्फिडेंस में था इसी वजह से मैं नहीं गया, हालांकि नतीजे नहीं आए। तो आप ही लोग ने बताया होगा कि आप लोग आपके आने की जरूरत नहीं है, सब ठीक ठाक है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बाकायदा आप 10 दिन पहले के अखबारों के पन्ने उठा के देखिएगा, उनमें मिल जाएगा आपको कि हमने तब भी कहा था कि अखिलेश भैया को आना चाहिए एक बार, और ये बात तीसरी बार बोली है जो परसों बोली है उन्होंने माननीय नेताजी ने, ये तीसरी बार बोली है। 1.5 महीने पहले जब हमने संगठन में आमूलचूल परिवर्तन किए थे और सभी कार्य समितियां अपनी रद्द कर दी थी और नई लोगों को जोड़ने का कार्य किया था, बीड़ा उठाया था, तब भी मेरे नेताजी ने उस मंच से भी कहा था कि अखिलेश भैया को एसी से बाहर निकलना चाहिए, एसी कमरों से बाहर निकलना चाहिए और ट्विटर और फेसबुक की राजनीति छोड़ के मैदान में आना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए या जनता के बीच में जाना चाहिए। ठीक है ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ। नितेंद्र सिंह यादव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। नितेंद्र जी, आपके साथी ये बता रहे हैं, पहले भी ओम प्रकाश राजभर जी ने बोला था चुनाव हारने के बाद कि जो नेता है समाजवादी पार्टी के उनको एसी से बाहर निकलना जरूरी है, तो
तो इसमें ऐसा कौन सा गलत उन्होंने बोल दिया? क्योंकि सब तो कह रहे थे कि अगर अखिलेश जी चले जाते आजमगढ़ या रामपुर तो शायद नतीजा बदल जाता। सो ये अर्कवंशी साहब भी यही बात कह रहे हैं कि शायद नतीजा बदल जाता अगर अखिलेश जी जाते हैं तो अगर कोई आपसे इस बात को कह रहा है तो आप लोग क्यों कह रहे हैं कि हमें सलामत दो, हमें आता है पार्टी चलाना? नितिन जी, इस बात का जवाब आज ही आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दे दिया है। अब उस पर विस्तार से मुझे लगता है कि चूंकि हमारे साथी हैं, अलायंस में पार्टनर है हमारे और उनकी पार्टी के प्रवक्ता हमारे यहाँ बैठे हैं, तो मुझे लगता है इस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन एक बात तो जाहिर है, देखिए वो हमारे अलायंस के पार्टनर है, अपनी पार्टी है, उनका अपना संविधान, उनका काम करने का अपना एक तरीका है, और उससे वो जहां तक पहुंचे हैं वो सब जानते हैं। हमारी अपनी पार्टी, हमारा अपना संविधान है, हमारे यहाँ काम करने का एक अपना तरीका है। इसके बावजूद भी अगर कोई किसी को सलाह देना चाहता है तो वो सलाह मिल करके भी दी जा सकती है। ये सड़क पे बयानबाजी करने का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं। दूसरी बात, एक जो भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है, अगर भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार को हमारे साथी भी बोलेंगे तो इसको क्या मारा जाएगा? इसका मतलब यही होता है कि ऑपरेशन कहीं और से हो रहा है। अच्छा। इस बात से हमारे अलायंस के साथियों को बचना चाहिए। सिर्फ इस बात का सिर्फ इतना मकसद था उनके बोलने का कि अगर कोई हमारी विरोधी पार्टी हमारे खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है और उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है कोई हमारा पार्टनर, तो इसका मतलब उसके दुष्प्रचार को हम बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए अगर कोई सलाह देने आए तो सलाह देने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है कि हम नेता से मिलते हैं और मिल करके अपनी बात को रखी जाए। रही बात तो चुनाव में जैसा कह रहे हैं कि उनके बहुत सारे कार्यकर्ता काम कर रहे थे, निश्चित बात है, स्वागत है उसके लिए, उनका धन्यवाद है कि आप हमारे अलायंस के पार्टनर और आपने अपने धर्म को निभाया। और यह सही है कि आप लोगों की उपस्थिति को देख करके और लगातार ओपी राजभर भी वहां थे, आदरणीय रामगोपाल जी भी थे, पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता विशंबर प्रसाद निषाद से लेकर के और जितेंद्र जी सरोज से लेकर के बड़े नेता वहां चल राजभर जी सब लोग थे, तो ये पार्टी के नेता को आश्वासन दिया गया और विश्वास जगाया गया कि यहाँ पर हम लोग इतनी भारी बहुमत से जीत रहे हैं, आपके आने की जरूरत नहीं है, हम लोग चुनाव जीत करके उपहार स्वरूप आपको सीट देंगे। तो हमारे नेता का विश्वास बढ़ गया और उस अति उत्साह में या अति विश्वास में कहीं ना कहीं हमें नुकसान उठाना पड़ा। हम इस बात को स्वीकार करते हैं और इस पर आत्मचिंतन कर रहे हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं और इसको आगे से सुधार। वही चीज तो ओम प्रकाश राजभर कहे थे कि अति विश्वास में मत रहिए, घर से निकलना बहुत जरूरी है। देखिए ये बात चुनाव से पहले वहा कर लेते हैं, जब चुनाव चल रहा था और उस समय भी अगर इनवाइट कर लेते ये, 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 जैने नरकवंशी कह रहे हैं कि पहले भी कई बार बोला गया था इसको लेकर के। देखिए अब इस विषय पर आज के चूंकि आपने डिबेट बुलाई सदस्यता अभियान पर, अब आप डिबेट को उधर डाइवर्ट करके हमको हमारे भाई से लड़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आपको हमारे आज जिसका जवाब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक लाइन में दे दिया है और मस्जिद भी समझ गए, मेरी एक लाइन की बात है जिससे गलतफहमियां पैदा होती है कि अगर कोई हमारा राजनीतिक विरोधी हमारे नेता के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है और अगर नासमझी में हमारे सहयोगी भी वो भाषा बोल देते हैं इसका संदेश खराब जाता है। अगर ऐसी कोई बात आपको बतानी सलाह देनी है तो आप फोन पर भी दे सकते हो और आप तो मिलते रहते हो, मिलकर के दे देते, इसलिए वो बात को खत्म करता हूँ। बहुत बड़ी गंभीर बात नहीं है, ये बातें आती हैं और चली जाती हैं। आज का मुख्य मुद्दे पर हम लोग आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ठीक है, मैं आता हूँ, मैं आऊंगा जनेंद्र आपके पास आऊंगा। कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे? मैं ये जोड़ देता हूँ कि जो सार्वजनिक रूप से कहा गया है वो नेताजी की वजह से नहीं कहा गया है। माननीय अखिलेश भैया तक लोगों की बात, उनके पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बात नहीं पहुंच पा रही थी। और मैं आपको फेसबुक पे अभी डिबेट के बाद भेज दूंगा फेसबुक के कटिंग जो इनकी ही टीम के प्रदेश सचिव है उनके भी की वो कब से चाह रहे थे कि जो संगठन है उसमें। ठीक है ठीक है, प्लीज ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है जनिंद, ठीक है जनिंद मैं आता हूँ आपके पास। रामेदर जी हमारे साथ बीजेपी से हैं। रामेदर जी, अखिलेश यादव 10 मार्च के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए, उन्होंने आपके 100 दिन और पिछले 5 साल पर भी बोला, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या आप लोग कर रहे हैं, और अभी नितेंद्र जी इस बात को कह रहे हैं कि आप लोग इस तरह की छवि जो है वो समाजवादी पार्टी की पेश करने की कोशिश करते हैं जिससे समाजवादी पार्टी बदनाम हो, उनका नाम खराब हो और कुछ लोग उसी का साथ देते हैं, वो राजभर साहब आपका साथ दे रहे हैं, सब कह रहे थे। देखिए नितिन जी, बहुत ही अच्छा विषय आपने टीवी डिबेट में रखा है और मैं आपके चैनल पे 6 महीना के बाद आया हूँ और जिस
पार्टी की आप बात करें, 5-6 महीना समाजवादी पार्टी में मैं भी रहा, चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में भी ज्वाइन किया था, इसीलिए बुलाया आपको, और आज मैं आया हूँ। तो सबसे बड़ी चीज है माननीय श्री अखिलेश यादव जी के अंदर हमने एक चीज देखा कि उनके अंदर गंभीरता नहीं। अच्छा, इनके बारे में मैं बता दूं राम हृदय जी के बारे में कि ये चुनाव से पहले बीजेपी में थे, पूरे 5 साल इन्होंने काम किया, उसके बाद जब चुनाव करीब आए थे तो ये समाजवादी पार्टी में आ गए थे, और उसके बाद अभी फिर कुछ दिन पहले ये कुछ नाराजगी इनकी हुई और फिर छोड़ के ये बीजेपी आ गए। देखिए, जिसे राज चाहिए वो नाराज नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने 5 साल बीजेपी में भी काम किया और 5 महीना समाजवादी पार्टी में भी काम किया। समाजवादी पार्टी में श्री अखिलेश यादव जी मिलने जुलने का तौर तरीका, बातचीत व्यवहार का तरीका, शिष्टाचार संस्कार बहुत अच्छा है उनका, लेकिन उनके अंदर अनुभवहीनता है, अनुभव नहीं है, उनके अंदर जमीनी ज्ञान नहीं है, उनके अंदर राजनीतिक सूझबूझ नहीं है, उनके अंदर संगठनात्मक जो ज्ञान होना चाहिए वो नहीं है, और इतने लोगों से वादा कर देते हैं जो मिलता है उसके साथ फोटो खिंचाएंगे और कहेंगे तुमको एमपी बना देंगे, एमएलए बना देंगे, एमएलसी बना देंगे, राज्यसभा बना देंगे। सवाल ये है कि आपको बनाना 4 लोगों को है और 400 लोगों को आपने न्योता दे दिया है, तो जब वो आखिर में 396 लोग क्या करेंगे, आपका पीछा करेंगे कि नहीं करेंगे? ये चीजें नेताजी के अंदर नहीं थी। नेताजी धरती पुत्र थे, वो जमीन से जुड़ करके आए थे, और वो किसी भी कार्यकर्ता को चाहे पद की हो चाहे टिकट की बात हो तो वो तुरंत कह देते थे कि मैं दे पाऊंगा आपकी कि नहीं दे पाऊंगा, नहीं भी दे पाऊंगा तो आदमी थोड़ी देर के लिए नाराज होता, बाद में खुश होता था कि नेताजी ने साफ साफ कह दिया। नेताजी से भी मैं मिला था 2017 में विधानसभा टिकट के लिए, नेताजी ने साफ कह दिया कि बेटा देखो अब पार्टी मेरे हाथ में नहीं रही, मेरा बेटा मुझे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया है और आप अखिलेश जी से मिलो। तो नेताजी की बात अच्छी लगी, कम से कम साफ साफ उन्होंने कह दिया। इनके अंदर तो क्या कहेंगे और क्या कर जाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस लोकतंत्र और संविधान की बचाने की बात कर रहे हैं आज और सदस्यता अभियान चला रहे हैं, और लोकतंत्र संविधान सबसे पहले अपने पार्टी के अंदर ले आवे, सबसे पहले तो अपने जो कमियों में सुधार करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जो दोनों वर्तमान में हैं लोग, इनको इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा। और आंतरिक लोकतंत्र समाजवादी पार्टी के अंदर लाना चाहिए, नीचे से चुनाव होके आना चाहिए, ब्लॉक से, जिले से लेकर के और प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर का, और कार्यकर्ता जिसको चाहे वो जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो लोकतांत्रिक संवैधानिक लगता है कि ये जो कह रहे हैं उसमें करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनके कहते कुछ है और करते कुछ है, और जनता बार बार देश की चाहे प्रदेश की आईना दिखा रही है कि अब लोकतंत्र में अब आपका वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद, तो जनता कहां मान रहे, वो तो कह रहे हैं कि धन बल और अधिकारियों के बल पे आजमगढ़ और रामपुर हराया गया है हमें। अब वो हारे हैं, सच्चाई जान ले, ऐसा नहीं है। गोरखपुर में भी तो बाई इलेक्शन हुआ था, आप जीते थे, सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। फूलपुर में भी जीते थे समाजवादी पार्टी, तो उस समय अधिकारी और धन बल कहां चले गए थे सरकार के? ऐसा नहीं है, चुनाव वो हारे मात्र एक कारण था कि आजमगढ़ में इन्होंने अपने परिवार का प्रत्याशी उतार दिया, और जब आपने प्रत्याशी उतार दिया तो आप खुद भी प्रचार करने जाते, 8,000 से आप लूज किए उस सीट को, आप सांसद रहे हैं, कम से कम एक बार आप चले जाते तो 8-10 हजार तो आपके जाने से बढ़ जाता, लेकिन आप नहीं गए, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और सब कुछ दूसरे के ऊपर छोड़ देना चाहते हैं। ऐसे पार्टी नहीं चलती है। पार्टी चलाने के लिए एक एक कार्यकर्ता बनकर के जमीन पे काम करना पड़ता है और कार्यकर्ता बन के रहना पड़ता है। देख लीजिए किस तरह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर एक लोग हैं तो भी वो कार्यकर्ता है, उनकी बात होती है, बूथ पे भी बात होती है। और जी ठीक है सैयद तकी अहमद हमारे साथ, आम आदमी पार्टी से। तकी भाई, उत्तर प्रदेश के बाकी राजनीतिक दलों ने 24 की तैयारी शुरू कर दी है, बसपा ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी, आप लोगों का क्या रोड मैप है और आप इनकी तैयारी को किस नज़र से देखते हैं? आप क्या इनको जानते हैं और समझते हैं कि ये 24 में बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से उत्तर प्रदेश में सक्रिय रही है। इससे पहले भी वो लोकसभा के चुनाव लड़े थे हम लोग, और जब 2014 में, और उसके बाद भी कुछ चुनिंदा सीटों पर हमने चुनाव लड़ा था। और आम आदमी पार्टी जो है 2000 आने वाले समय में 2024 में भी जो है चुनाव लड़ेगी लोकसभा के। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व इसका कैसे लड़ा जाए, किस तरह से लड़ा जाए, ये तय करेगा और ये वक्त बताएगा आपको। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ज़मीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। अभी आपने देखा परसों संजय सिंह साहब ने, जो हमारे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने 1,000 जो है तिरंगा शाखाएँ
पूरे उत्तर प्रदेश में लगाने की बात कही है, जिस शाखाओं के अंदर लोगों को जोड़ा जाएगा, उनके अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को जगाया जाएगा, और जो महापुरुषों ने हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, अपना जीवन त्याग दिया है, उन सब के बारे में लोगों को बताया जाएगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान के बारे में लोगों को बताया जाएगा, जो संविधान के अंदर क्या मौलिक अधिकार है उनके बारे में लोगों को जताया जाएगा, ताकि लोगों को पता चले कि जो हम भी जो भी है जनता के साथ किया जा रहा है, वो जनता पे एहसान नहीं किया जा रहा है, जनता का अधिकार है। और सरकारें इसलिए बनती हैं कि जनता को वो नौकरियां दे सके, जनता को सामाजिक सुरक्षा दे सके, जनता को वो न्याय दे सके, कानून व्यवस्था दे सके, जनता को साफ पानी दे सके, प्रदूषण फ्री एनवायरनमेंट दे सके। का दावा तो बीजेपी भी कर रही है कि हमने सब किया। बीजेपी तो दावा करती है, दावा करने में बीजेपी सबसे तेज है। आप 2013-2014 के इलेक्शन कैंपेनिंग सुन लिया हमारे नरेंद्र मोदी जी की, दुविधा सबसे बड़ी ये है आज की देश में कि 2013 के नरेंद्र मोदी जी की बातें 2022 के नरेंद्र मोदी जी नहीं सुन रहे। जो नरेंद्र मोदी जी 2013-14 में जो उन्होंने चुनाव वादे किए थे चुनाव के दौरान, वो वादे अब 2022 के 2021 के नरेंद्र मोदी जी उनकी बातें नहीं सुन रहे। रुपया दिन पर दिन गिरता जा रहा है, 80 रुपए के आसपास रुपया आ गया डॉलर के मुकाबले में, उसके बारे में कोई बात नहीं होती। देश को एक ऐसे उम्माद में धकेल दिया गया है जहां जनता से जुड़ी हुई बातें, जो देश से जुड़ी बातें हैं उस पर बात नहीं होती। देश की एकाग्रता जो है वो लगातार भंग हो रही है। हम जो है वो सेना के बारे में बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन सेना के लिए हम ऐसी स्कीम ले आए जो लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। 4 साल के लिए आप अग्निपथ तकनीक योजना लेके आए, 4 साल के लिए हम नौकरी दे रहे हैं। सपा जो सदस्यता अभियान शुरू कर रही है, उस तरह का आप लोग क्यों नहीं कुछ करते हैं? देखिए, हम भी सदस्यता अभियान बहुत बार शुरू कर चुके हैं, लगातार करेंगे, लेकिन हम जानते हैं जनता के बीच इनके सदस्यता अभियान से कुछ चुनाव में फर्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ता है, हर सदस्यता अभियान में लोग आप इनके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं कि ये आपके साथ आने वाले दिनों में हो सकते हैं, आप इनके साथ हो सकते हैं? देखिए, वो तो समय तय करेगा और जो शीर्ष नेतृत्व है आम आदमी पार्टी का वो तय करेगा, लेकिन हमारा जहाँ तक आम आदमी पार्टी है वो चाहती है कि वो अपने जो उसका अपना कल्चर है, जो उसका अपना सोचने का नजरिया है, उसके ऊपर हम किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, और जनता की जो संवेदनाएं हैं उनको पूरी तरह से पूर्णता पवित्र तरह से रखना चाहते हैं, जैसे वो संवेदनाएं हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी उत्तरदायित्व जो है जनता के प्रति है। चुनाव जीत के भी अगर हम काम नहीं कर पा रहे जनता के लिए, 100 दिन के लिए हम हर्षोल्लास मना रहे हैं, 5 साल के बाद में क्या वो देखा नहीं, तो अब ऐसी पूर्ण सत्ता में हमारे सारे के सारे सांसद आ जाएं, या सारे के सारे 303 जब सांसद पिछली बार आए थे, लोगों ने बड़ी बातें कही थी, मैंने कहा ठीक है अच्छी बात 303 सांसद आए, लेकिन हम चाहते हैं वो 303 सांसद जनता के कितने मुद्दों को सॉल्व कर पाएंगे। क्या आज नदियां साफ हो गई? क्या गंगा साफ हो गई है? क्या प्रदूषण लेवल कम हो गया है? क्या शिक्षा में लोगों को शिक्षा का अधिकार मिल रहा है? क्या मिड डे मील में जो खाना अच्छा लोगों को मिल रहा है? आपको जान के हैरत होगी, मैं कुछ दिन पहले रिपोर्ट पढ़ रहा था ग्लोबल रिपोर्ट में, उसमें जो डेवलप कंट्रीज हैं, नॉर्वे है, जर्मनी है, अमेरिका है, वहाँ कैदियों को जो खाना मिल रहा है उससे खराब खाना हमारे देश में मिड डे मील में बच्चों को मिल रहा है। ठीक है, कितनी खराब बात है बताइए, हमने देश के बच्चों को ढंग का खाना नहीं दे पा रहे जो देश का भविष्य है, और उसके बारे में कोई बात नहीं होती। प्रदूषण, विश्व प्रदूषण दिन के ऊपर, जहाँ प्रदूषण इतनी बड़ी समस्या है, विश्व पर्यावरण दिन था उसके ऊपर हम कानपुर के दंगों की बात कर रहे थे। ठीक है, हमने विश्व पर्यावरण के बारे में बात नहीं करी, पूरा दिन इसी डिबेट में निकल गया कि कानपुर में दंगों में क्या हुआ। ठीक है, मैं तो हमारे देश की जो मूल भावनाएं हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, कहीं टाइम नहीं दिया जा रहा उसके ऊपर। ठीक है, मैं आता हूं। हम उस पे मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों की बात करना चाहते हैं, जनता हमें स्वीकारे, जनता हमें ना स्वीकारे, वो जनता का अधिकार, उसका सम्मान करते हैं। ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा जनता से जुड़े बातों की हमेशा बात करती आई है और करती रहेगी। ठीक है, मैं आता हूँ। अजय कुमार जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अजय जी, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको और उनके सदस्यता अभियान को, बसपा के सदस्यता अभियान को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये कहा जाए कि उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है उत्तर प्रदेश की सरकार को काम करते हुए देखने के बाद? नितिन जी, इसमें एक चीज इस तरह से देखिए इसको आप कि सरकार जैसे है वो वृक्षारोपण अभियान चला रही है, उसमें बहुत से पौधे मर जाते हैं पीछे 2-4 साल पहले वाले, उसका बस ध्यान नहीं आता है। इसी तरह से पार्टियों का सदस्यता अभियान है। अच्छा, ऐसे लोग बनाते चलाते रहते हैं सदस्यता अभियान, खूब बनाते हैं चलाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारे पास जो पहले से पेड़ हैं उनको कैसे हरा भरा रखें। अब जैसे ओम प्रकाश राजभर जी की बात ले लीजिए, अब वैसे तो मैं ये नहीं कहता, जैसे हृदय राम जी भी हैं, तो पार्टी कोई राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन और मित्र नहीं होता है। राम हृदय जी भी जैसे अभी आपने देखा इसी भी डिबेट के दौरान जान पाया कि पहले भाजपा में रहे, तो जैसे ओम प्रकाश राजभर जी भी पहले भाजपा में रहे और मुखर रहे, मतलब वहां रह करके भी भाजपा के खिलाफ बोलते रहे, वो अखिलेश जी को पसंद आया था तभी तो अपने पास लाए होंगे उनको। सही बात है।
वैसे तो नहीं लाए होंगे जब वो पहले भी बोलते रहे और सत्ता पक्ष के साथ रह करके ओम प्रकाश राजभर जी बोलते रहे, अगर उनको मलाई खानी होती तो मलाई खाते रहते, कोई दिक्कत थोड़ी थी। लेकिन वो कार्यकर्ताओं के साथ हैं और उन्होंने जो कहा है उसको गंभीरता से लेना चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अखिलेश जी को सीखना चाहिए ओम प्रकाश राजभर जी से कि हमारे पास अगर कोई बोलने वाला है, हमको कुछ समझा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये आसपास का घेरा, जैसे सुभाष जैनेन्द्र जी ने कहा था कि इनको जब भंग करना था तो पूरी कार्यकारिणी भंग करनी चाहिए थी, प्रदेश अध्यक्ष को भी उठाना चाहिए था। इसका मतलब अंदर कहीं ना कहीं दर्द है, हर आदमी का दर्द है, पार्टी के आम कार्यकर्ता का भी दर्द है। उसको नरेंद्र जी यादव जी नहीं सुनना चाहेंगे क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन अगर इसको गंभीरता से अगर राजनीतिक तौर पे इसका कैसे आगे बढ़ाएंगे ऐसे पार्टी को, तो निंदा सुननी चाहिए और अच्छी निंदा सुननी चाहिए। अगर ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा में रह करके सत्ता पक्ष के साथ रह के हमलावर थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर, तो वो अखिलेश जी देखते रहे, ऐसा नहीं देख रहे थे वो, और फिर जब मौका लगा तो उन्होंने बुलाया। आज के दौर में जो अभी दिखाई दे रहा आपको, दो दिन का ये जो चल रहा है मामला, इसके दो मामले हैं इसमें। एक तो ये कि जो दोनों लोकसभा चुनाव हारे, इस पर एनालिसिस इनको पहले करना चाहिए था, ये जीत सकते थे, इन्हीं की सीट थी, इन्होंने छोड़ा, उसकी वजह से चुनाव हुआ, वो चुनाव थोपा हुआ चुनाव माना जाता है, जैसे जनता पर थोपा हुआ चुनाव, कि आप खुद ही वहाँ सांसद रहे, रामपुर से आजम खान साहब थे, आप आजमगढ़ से थे, वहाँ आपने छोड़ा तो वो चुनाव थोपा हुआ, तो आप ये जाते और समझाते जनता को। वैसे जनरल बात है, मतलब मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि ये तो उनके पार्टी के सहयोगी हैं तो ये कहेंगे कि अखिलेश जी को आना चाहिए, जनरल बात मैं कर रहा हूँ कि उनको जाना चाहिए और ये समझाना चाहिए कि मैंने विधानसभा क्यों स्वीकार किया है, ताकि मैं प्रदेश सरकार पर हमलावर रहूं, इसलिए मैंने विधानसभा को चुना है, लोकसभा इसलिए छोड़ा है, और जनता इसको समझाते। रामेंद्र जी एक चीज और कह रहे थे कि आसपास के कुछ लोग हैं जिनकी बातें सुन रहे हैं वो, और इसमें भी अखिलेश यादव जी ने एक बयान कहा दिया है, उसमें ये कहा है कि मुझे कुछ नेताओं ने, कुछ लोगों ने वहां पर एक रिपोर्ट दी थी और ये कहा था कि आने की जरूरत नहीं है, हम रिजल्ट निकाल करके आपको दे देंगे, तो शायद कुछ ऐसे लोगों से दूरी बनानी बहुत जरूरी है। नहीं, इनका सहयोगी तो खुद ही बता रहे हैं कि ये जो लोगों से घिरे हुए हैं, जैसे उन्होंने मेरे ख्याल से दबी जुबान में प्रदेश अध्यक्ष तक पर आरोप लगाया है, जो सुभाषपा के प्रवक्ता जी हैं उन्होंने दबी जुबान में प्रदेश अध्यक्ष तक पर आरोप लगाया है कि उसको भी भंग करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अखिलेश जी तक सही मैसेज नहीं जा रहा है, उनके आसपास जो लोग भी हैं वो उनको सही संदेश नहीं दे पा रहे हैं, और सही संदेश नहीं दे पाएंगे तो 2024 बहुत कठिन है। इसलिए कठिन है कि अखिलेश जी जैसी पार्टी चला रहे हैं समाजवादी पार्टी, वो पूरे प्रदेश में अपने दम पर चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन हर चुनाव में ये सहयोगी ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो जब सहयोगी ढूंढना शुरू कर दे इसका मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। आम आदमी पार्टी हो सकता है 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का हिम्मत दिखाए, क्योंकि इनके नेता अरविंद केजरीवाल में एक साहस है, आपके अंदर शायद साहस की कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसको कह सकते हैं, आपने उनकी बात सुन ली वो अच्छा लग गया, उनकी बात सुन ली वो अच्छा लग गया, आपके अंदर भी तो कुछ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे तो घर में ही घिरे हुए हैं, जैसे चाचा जब हमलावर होते तब भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, आजम खान साहब भी डिस्टर्ब होते तब भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी कुछ कहते तब भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो कान का पक्का बनना चाहिए। बड़ा नेता तभी बन सकता आदमी जब वो कान का मजबूत हो, वो सुने सबकी करे अपनी वाली, तब तो माना जाएगा। लेकिन आप बयान उनसे कह रहे कि सड़क पर मत दीजिए, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दीजिए कि हमको किसी की राय की जरूरत नहीं है, तो उनको कैसा अच्छा लगेगा, उनको भी तो अच्छा ही लगेगा बात। तो ये एक मतलब मैच्योर पॉलिटिक्स नहीं है अखिलेश यादव। ठीक ठीक। नितिन सिंह जी, राम हृदय जी बता रहे हैं कि अखिलेश यादव में जो संगठनात्मक सोच है उसकी कमी है, संगठनात्मक सोच के साथ साथ वो अपने आसपास के लोगों से घिरे हुए, काफी कुछ उन्होंने चीजें बताई, आपने सुना होगा, क्या कुछ कहना है आपको? नितिन जी, मुझे इन्हीं की बात पर जवाब देना है, हमारे भाजपा नेता बैठे हैं, जैसा इन्होंने कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को राजनैतिक सूझबूझ की कमी है, मुझे लगता है कि उनसे अच्छी राजनैतिक सूझबूझ और लोगों के पास नहीं हो सकती है। और इसका सीधा उदाहरण देखिए कि ये हमारे भाजपा नेता 2017 में भी आए आदरणीय नेता इससे मिले कि हमको टिकट दे दीजिए, टिकट नहीं मिली, फिर ये 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी में रहे, और इसके बाद 2022 में फिर चुनाव के टाइम आए, हमको टिकट दे दीजिए, टिकट नहीं मिली तो ये फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। निश्चित रूप से अगर वो इनको टिकट दे देते तो हम लोग ये मान लेते कि ये उनकी राजनीतिक सूझबूझ की कमी है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता है, 5 साल चुनाव में पार्टी के लिए मेहनत करता है, चुनाव में काम करता है, इसके बाद में उसका हक मार के जो 5 साल सत्ता की मलाई खाए,
जो सरकार के खिलाफ हमेशा हमारे संगठन के खिलाफ काम करे और इसके बाद में चुनाव के समय आए और टिकट मांग ले और हमारा नेता दे दे, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक सूझबूझ की कमी है। ये 100% मैं उनके सूझबूझ का की सराहना करता हूँ। ये ऐसे लोगों को पहचान लेते हैं और ऐसे लोगों को वो जिस भावना से आते हैं उसी भावना से उनको पुचकारते हैं और जब उनकी मर्जी आए तो वो चले जाए। ऐसे लोगों का हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। राम हृदय जी कुछ कह रहे हैं। राम हृदय जी, हाँ बिल्कुल, अब राम हृदय जी कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे लगता है कि अगर ये वैचारिक होते, ये वैचारिक होते तो भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ते, अगर ये समाजवादी विचारधारा के होते तो आकर यहाँ संघर्ष करते। ये सत्ता के साथ रहने वाले लोग हैं, ये हमेशा सत्ता का की लोलुपता चाहते हैं। ये पहले आएंगे नेताजी से कहा टिकट दे दो, नेताजी का बेटे से मिल लो, फिर चले गए 5 साल भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ करके झूला झूलते रहे, फिर चुनाव के 1 महीने पहले आ जाते हैं कि आप मुझे टिकट दे दो और फिर बता रहे थे कि सबको बुला लेते हैं और उनको कह देते हैं ठीक अच्छा राम हृदय जी आए थे यही अपेक्षा लेके आए होंगे कि हमको MP बना दो, हमको MLA बना दो, हमको संगठन दे दो, कह दिया होगा ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो पैनल होता है जो 10-20-25 लोग आवेदन करते हैं, जो 5 साल संगठन में काम करते हैं, आजीवन पूरा जीवन संगठन में खपा देते हैं और इसके बाद में हम उनके हक को मार लें और ऐसे लोग हमें टिकट दे दें, अगर ये दे देते तो मैं आज सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लेता कि हमारे नेता में सुझबूझ कर। आज मैं मेरा दिल और मेरा मन फक्र से चौड़ा है कि हमारे नेता ऐसे लोगों को पहचान करके और ऐसे लोगों को उन्हीं की भाषा में बहुत प्यार से पुचकार के जवाब दे देते हैं। ये उनकी राजनीतिक सूझबूझ और इनकी राजनीतिक परिपक्वता का इससे अच्छा उदाहरण हो नहीं सकता। ठीक है ठीक है, रामविदा जी क्या कह रहे थे? देखिए ऐसा है कि राजनीतिक दलों में लोग MP MLA बनने आते हैं, पद लेने आते हैं और हर कार्यकर्ता नेता बनना चाहता है, आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं पालता है और पार्टियों की एक अपनी विचारधारा होती है और एक आइडियोलॉजी होती है, एक सिद्धांत होता है। सवाल ये है कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर हम अपनी बात को किसी को समझा नहीं पा रहे हैं तो गलती हमारी है। हम तो भाजपा सरकार छोड़ करके और हम आपके साथ गए थे और आप हमको अपने साथ नहीं रख पाए तो गलती आपकी है ना। 403 लोगों को आप टिकट देंगे ना, कुछ लोगों को पदाधिकारी बनाएंगे ना, हर आदमी MP MLA नहीं बनता है। जहाँ संविधान लोकतंत्र बचाने की बात हुई थी, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की बात हुई थी, लोहिया जी की बात हुई थी, तब हम लोग सोचे कि चलिए मैं भी दलित समाज का हूँ, अम्बेडकरवादी होने के नाते मैं साथ देता हूँ, समाजवादी अम्बेडकरवादी एक होंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद देखा जा रहा है कि न ये लोहिया के सिद्धांत पे चलने वाले हैं, न अम्बेडकर जी को ही मानने वाले हैं। केवल नाम लेने से लोहिया जी का अम्बेडकर जी का थोड़े नहीं काम होने वाला है, उनके नीतियों पे, उनके विचारों पे, उनके आइडियोलॉजी पे चलना पड़ेगा। वो मानने के लिए लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं है। और पार्टियों देखिए जब बड़ा कुनबा होता है, बड़ी पार्टी, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। इतनी सूझबूझ और समझदारी ईमानदारी होती तो मोहनलालगंज से सिटिंग विधायक थे माननीय अमरेश पुष्कर जी, उनका टिकट काट दिया गया कार्यालय पे, वो रो रहे थे। घनश्याम अनुरागी जी 90,000 रोड से 2012 में विधायक बना, उसको बुला के कांग्रेस से सपा ज्वाइन कराया गया, टिकट काट दिया गया, कार्यालय में रो रहे थे। आरके चौधरी आज बगल में बैठे हुए, आरके चौधरी हैदरगढ़ से टिकट मांग रहे थे, इनको नहीं दिया गया, कार्यालय में रोते हुए निकले कि शंकर की बारात बनाए हुए हैं सब। आप बताइए कि समाजवादी पार्टी में सूझबूझ होती तो आज सरकार में होती। 50-60 टिकट इन्होंने सिटिंग विधायकों के काट दिए। एक अपना दल का विधायक था बेचारा अमर सिंह चौधरी, सिद्धार्थगढ़ से वो छोड़ करके पार्टी आया था अपना दल, उसको टिकट दे के फिर शाम को टिकट काट दिए। यही आपकी सूझबूझ है? आप लोग सुधरने वाले नहीं हो। जवाब ले रहे हैं, आप लोग सुधरने वाले नहीं हो, आप सच्चाई का सामना करने वाले नहीं हो, आप लोग जमीनी आदमी नहीं हो। ठीक है, जवाब। हवाई बातें करने से और हवा हवाई काम करने से कुछ नहीं होगा, जनता आईना दिखा रही है। जवाब ले आप लोगों। नितिन जी क्या कह रहे हैं? राम हृदय जी जिस तरीके से बहुत आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, जैसे लगता है बड़े राजनीतिक संत हैं, इनको शर्म आनी चाहिए इस बात को स्वीकार करते हुए कि एक तरफ ये अम्बेडकर और लोहिया की बात करते हैं और दूसरी तरफ फांसीवादी ताकतों की गोद में बैठकर अम्बेडकर और लोहिया के विचारों की हत्या करने वाले लोगों की गोद में बैठ करके काम कर रहे हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए, आज इनको बात नहीं करनी चाहिए कि ये आए थे और फिर टिकट की नहीं मिली तो चले गए। अरे आप तो साल दो साल पांच साल सरकार के खिलाफ रहते, आपने कहा मैं सरकार छोड़ के आया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने दिन के लिए, क्योंकि प्रदेश में एक हवा चल रही थी, एक बयार कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है और समाजवादी लोग आ रहे हैं। आप उस आशा और विश्वास, क्योंकि 5 साल तक आप सत्ता की मलाई खाए थे और इसके बाद नई सत्ता
की गोद में बैठना चाहते थे, जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी आप वापस चले गए। मैं आपको तब वैचारिक रूप से मानता, आपका तब सम्मान करता और आपको सराखों में बिठाता कि आप 5 साल तक इन पूंजीवादी सोच वाले लोगों को ले, इन सामंतियों के लिए, इन परवादियों के खिलाफ आप 5 साल तक समाजवादी पार्टी में संघर्ष करते और इसके बाद अगली टिकट की दावेदारी करते। और अगर आपके साथ नाइंसाफी होती तो हमारे जैसा कार्यकर्ता भी आदरणीय अखिलेश यादव जी से आपके लिए बगावत करके और उनके सामने खड़े होकर के कहता कि नहीं, ऐसे संघर्षशील व्यक्ति को टिकट दी जानी चाहिए। आप जैसे टिकट के लोलुप लोगों को मुंह नहीं दिखाना चाहिए जनता के सामने, आप जैसे लोगों को तो मुंह काला करके चले जाना चाहिए। अंबेडकर के हत्यारों को आपकी गोद में बैठ करके आप अंबेडकर के विचारों की बात करें, ठीक है, गांधी के हत्यारों की बात करें और गांधी के हत्या करने वालों की गोद में बैठकर गांधी और अंबेडकर लोहिया के विचारों की बात करते, ठीक है नितिन जी, प्लीज, ठीक है, ठीक है, ठीक है नितिन जी। हाँ रामविदा जी कुछ कहना, फिर मैं आगे बढ़ू। नितिन जी जी, प्रमोशन में आरक्षण का बिल समाजवादी पार्टी के सांसद ने फाड़ा, फिर भी दलित समाज के लोग सीने पे पत्थर रख करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए निकले थे। हवा दलित समाज के लोगों ने बनाई थी। और आप लोकतंत्र विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, और कभी भी जो आरक्षण समाप्त कर देना चाहता हूं, नहीं कौन आरक्षण समाप्त कर देना चाहता है, आपने तो लोकसभा में खुद दलितों का प्रमोशन में आरक्षण का बिल लोकसभा में आपने फाड़ा था। कभी सार्वजनिक माफी मांगी आपने? कभी आपके नेता ने सार्वजनिक माफी मांगी? सरकारी ठेकों में आरक्षण आपकी सरकार में खत्म किया गया था। जो अनुसूचित जात के लिए आरक्षण मिल रहा था सरकारी ठेकों में, वो आपकी सरकार ने खत्म किया था। कभी आपने इसके लिए माफी मांगा? जितने संत महापुरुषों के नाम से जिले बने थे, अंबेडकर से लेकर रविदास जी के नाम से, सब आपकी सरकार ने खत्म किया था। आईना आईना साफ करने के बजाय चेहरे को साफ करिए अपने आप को, और लोकतांत्रिक बनिए, संवैधानिक बनिए, तब जनता आपके ऊपर विश्वास करेगी। आप ना लोहिया को मानते हैं, ना अंबेडकर को मानते हैं, ना गांधी को मानते हैं, आप लोग केवल नाम लेते हैं। उनके उनके सिद्धांतों पर चलिए और जमीन पे उतरिए, और सिद्धांतों में चलिए, जमीन पे उतरिए, तब जनता आपको समझेगी और जनता को आप समझेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। जयनेन्द्र अग्रवंशी, नितिन जी कुछ कह रहे थे जब इसके पहले, तो आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं यही बताना चाह रहा था कि देखिए, कट हमेशा से कड़वा होता है और लोगों को कड़वा भी लगता है, लेकिन हमारे नेता जी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कभी भी कट बोलने में हिचकिचाए नहीं, और वो चीज अखिलेश भैया को भी माननी चाहिए थी। और मान अब देखिए, किया तो वही है उन्होंने जिसके लिए कह रहे थे हमारे नेता जी, तो उनको शायद सच कड़वा लग गया है। लेकिन अभी भी एक बात रह गई है कि अभी भी अगर वो एसी कमरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो थोड़ा सा कार्यकर्ता का मनोबल गिर जाता है, तो उनको बाहर निकलने की एक प्रैक्टिस और शुरू करनी चाहिए। और नहीं तो इसीलिए तो सदस्यता अभियान शुरू किया है ना उन्होंने, कहा हमारे नेता गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे। कौन से नेता जाएंगे? अभी तो टीम बनेगी, पहले टीम बनने में कितना समय लगेगा? क्या वही पुराने लोगों को दोबारा से पद बांट दिए जाएंगे जिनको आज हटाया गया है? क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है, अगर प्रदेश अध्यक्ष वही है, हमने अपने हमारी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष जी को हटाया गया है, मैं बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ, सभी लोगों ने इस्तीफा दिया पार्टी पदों से, उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ, दूसरे प्रदेश अध्यक्ष आए, दूसरी कमेटियां बनी और दूसरे पदाधिकारी बने, और कुछ ऐसे पदाधिकारी थे जिनका पद छोटा किया गया, किसी का पद बढ़ाया गया, ऐसा भी हुआ। लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष वही रहेगा तो उसकी सहमति के बिना नई कमेटियां कैसे बन जाएंगी बिना पुराने लोगों के, मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नितिन जी, पहले तो आपने अर्कवंशी साहब की बात सुनी होगी, उसका जवाब भी लूंगा आपसे, लेकिन एक चीज और है, अजय जी ने एक बहुत अहम बात बोली है। अजय जी ने ये कहा कि जब ओम प्रकाश राजभर सत्ता में थे तब वो सत्ता के खिलाफ भी बोलते थे, अखिलेश जी को वो बात अच्छी लगी थी, अखिलेश जी ने ओम प्रकाश राजभर का स्वागत किया, अपने साथ रखा, अब जब वो आपके लिए कुछ बोल रहे हैं तो भी तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अरवंशी जी की बात का जवाब देते हैं, अरवंशी जी हमारे साथी हैं, बार बार वो आचरण उसी तरीके का कर रहे हैं कि जिस बात का हमें जवाब नहीं देना चाहिए। जयनेन्द्र भाई सुन लीजिए, नितिन जी कह रहे हैं कुछ। हाँ
अरबंसी जी हमारे साथी हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस बात को उन्हें नहीं कहना चाहिए वो बातें उठा रहे हैं। अरबंसी जी को यह मालूम होना चाहिए कि हमारी पार्टी का संविधान क्या है। हमारी पार्टी के संविधान में अध्यक्ष का चुनाव 5 साल के लिए होता है और अब नई सदस्यता शुरू हुई है। नई सदस्यता के बाद 1 माह के बाद पार्टी का प्रदेश का सम्मेलन होगा, उस सम्मेलन में अध्यक्ष का बाकायदा चुनाव होगा और फिर वो नया अध्यक्ष जो आता है उसको सारे पावर डेलीगेट होंगे और वो नई कमेटियां बनाएगा। अब आज ये बार बार एक बात को लेकर के बैठे कि वो प्रदेश अध्यक्ष वही रहेगा, ये भविष्य के गर्भ में जानते हैं क्या कि कौन पेट में, माँ के पेट में जो बच्चा है वो क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी। तो इस तरीके की काल्पनिक बातें हमारे साथी को नहीं करनी चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक परंपरा है। अभी संगठन का चुनाव होगा, बाकायदा चुनाव के द्वारा वो आए थे पिछले 17 में विधानसभा, बाकायदा संगठन का चुनाव हुआ था और उस चुनाव के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ था और अभी फिर दूसरा 5 साल बाद चुनाव होने जा रहा है। चुनाव में बहुत सारे लोग हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वहां पर चुनाव किया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष का, उसमें कौन चुन के आएगा, किसको पार्टी मौका देती है वो काम किया जाएगा। इसलिए इस बात को तो मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। दूसरी बात अजय जी हमारे कह रहे थे, ठीक बात है, देखिए कोई व्यक्ति होता है उसकी एक शैली होती है, वो अपनी बात को अपने तरीके से रखता है। अब उसकी बात को कौन किस अंदाज में लेता है ये अलग अलग बातें। वहां पर वो अपने अधिकारों और मुद्दों की बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ भी हमने उनकी बात को स्वीकार किया, निंदक नियर है राखिए आंगन की छपाए। जहां हमें आलोचना करनी होगी मैं आलोचना करूंगा और जहां हमें आत्म आलोचना करनी होगी मैं आलोचना भी करता हूँ, आत्ममंथन भी करता हूँ। ये पार्टी की प्रक्रिया है और इसी वजह से जैसा कि हमारे और सारे साथी कह रहे हैं कि वो बाकी लोगों की राय से प्रभावित हो जाते हैं, ये नेता का सरल स्वभाव है और ये बहुत सहृदय व्यक्ति हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी कि अगर उनसे कोई सलाह देता है तो उसको स्वीकार करते हैं और इसी कारणवश कि 2-4 लोगों ने भी अगर अलग अलग सलाह दी उसको अलग अलग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि अरे आज उनकी बात मान ली, इनकी भी मान बात ली और कहीं कोई गलती हो गई, अलग अलग नजरिया होता है। मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि हम उनकी बात को बुरा मान रहे हैं। हमने एक बात सामान्य बात कही और वो बात चूंकि देखिए विवाद का कारण बनती है, जैसे उन्होंने कोई बात कहनी थी तो बात आज वही आ रही बार बार घूम करके कि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में कहा, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में किसी ने जवाब मांगा, उन्होंने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में उसका जवाब जिस भाषा में देना चाहिए दे दिया गया। ये चीजें चलती रहेंगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपने गठबंधन के साथियों से कि कोई बात अगर आपको अपने गठबंधन के साथी को अपने नेता को सबक कहनी है तो वो उसका सही प्लेटफॉर्म आपका घर है, आपका कार्यालय है, आपको टेलीफोन नंबर है, आप फोन पे कह सकते हो, आप मिल करके अपनी बात को कह सकते हो। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो जवाब भी सार्वजनिक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ठीक, आपने देखा कि एक क्रिया की प्रतिक्रिया पूरे देश में भूचाल हो गया, भाजपा के एक प्रवक्ता ने एक बयान दिया और आज पूरे देश में अशांति का और नफरत का माहौल पैदा हो गया। तो ये कहीं ना कहीं मनमुटाव के कारण बनते हैं। ठीक, तो अपने साथियों को भी मैं सलाह देना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आता हूं, वो इन बातों पर भी नजर रखें और अपने सही प्लेटफॉर्म पे बात करें। ठीक, अजय जी आपको जवाब मिल गया। नितिन जी कह रहे हैं कि सरल स्वभाव के नेता है इसी वजह से उसकी बात मान लेते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, उस पर वो कायम नहीं रह पाते, राय लेते सुनते मान लीजिए तो अपनी बात जो अपना फैसला करना होता है उस पर भी वो कायम नहीं रहते, पलट जाते। अभी एक मामला जो इस समय महाराष्ट्र से जुड़ा है उसकी वजह से नेताओं में खलबली मची हुई कि मेरा खास कौन। अब एक नाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के बहुत करीब थे, यहाँ तक कि उद्धव जी ने उनको ये कहा था कि आप ही मुख्यमंत्री बनो और उन्होंने ही उनको पटक दिया। तो अब जो नेता लोग ये जब देखा महाराष्ट्र का मामला देखा नेताओं ने तो उनको डरने लगे मेरा खास कौन है, मेरा करीब कौन है। तो अभी करीब खोजने की जो कवायद चल रही है कि करीबी कौन है मेरा, तो करीबी खोजने की कवायद चल रही है। ये देखिए तो प्रवक्ता जी हैं, उनके अखिलेश जी के फेवर में नहीं बोलेंगे तो हो सकता कल से टीवी पे भी ना पाएं, तो उनको तो बोलना है, उनका पक्ष रखना है, उन्हीं के पास आप बोलनी उन्हीं का। लेकिन अगर निष्पक्ष होके कोई बोलेगा तो ये बात मानेगा कि ठीक है अखिलेश जी के पास विजन अच्छा है, युवाओं ने उनको सपोर्ट किया कि वो प्रधान मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये सारी बातें सही है। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना कि हमने यूपी के इलेक्शन में बहुत अच्छा किया, उसके पीछे कारण था, यूपी इलेक्शन में इतनी सीटें मिली उसका एक कारण सबसे बड़ा ये था कि मुस्लिम एकजुट होकर के भाजपा के खिलाफ था, और भाजपा के खिलाफ होने के नाते अखिलेश यादव के पास ये बहुमत आया था। अभी लोकसभा के चुनाव में मैं आपको बता दे रहा हूं अभी से कि जो आपका खास वोट है वो बट जाएगा। अच्छा, ये प्रदेश का चुनाव दूसरे तरीके से देखा जाना चाहिए और लोकसभा का चुनाव दूसरी तरीके से देखा जाना, मुद्दे अलग होते हैं और इसी वजह से रामपुर और आजमगढ़ जो हारे हैं अखिलेश जी
उसका कारण भी यही है कि अब जो इनका खास वोट है जिसको यादव वोट बैंक कहते हैं ये, वो भी हो सकता भाजपा के साथ चला जाए। और फिर दूसरी बात, जो दूसरा वोट बैंक इनका है जिसको आजम खान कंट्रोल कर रहे हैं इस समय, वो भी कहीं और जा सकता है। उसके लिए उनके पास दो तीन ऑप्शन है, या तो कांग्रेस के साथ जाएं या भाई आम आदमी पार्टी के साथ चले जाएं। तो इसलिए पहले आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, आप प्रवक्ता हैं, आपको अखिलेश जी की बात ही अच्छी अच्छी बातें ही कहनी है, लेकिन जब आप उनसे अकेले में मिलिएगा, चूंकि एकनाथ शिंदे भी बोल रहे थे कि मैं अकेले जाता था, उद्धव जी को समझाता था, लेकिन संजय राउत जी सुनने नहीं देते थे। तो ये चीज अखिलेश जी को समझाइए, आप टीवी पे चाहे जो बोलिए, आप चूंकि नहीं बोलेंगे तो कल से नहीं आएंगे, लेकिन आप जाइएगा अकेले से मिलिएगा तो उनसे कहिएगा कि जो हमारे वृक्ष है, मैंने बहुत से समाजवादी के बोलने कल से नहीं आएंगे बोल, बहुत बड़े बड़े समाजवादी पार्टी के लोगों को मैं जानता हूँ, जो बिल्कुल समझिए पीपल और बरगद के पेड़ है, उन लोगों को भी तवज्जो नहीं मिल रही है, ये मैंने देखा है। और अगर ऐसे बहुत से नेताओं को मैं जानता हूँ, उनको अगर अखिलेश जी खाली ठीक से देख लें तो शायद पार्टी एक बार फिर से पूरी तरह से स्टैंड कर जाएगी। ठीक है नितिन जी, और जात पात की पार्टी ऊपर उठ जाएगी इससे, क्योंकि उससे वो निकलना चाहते हैं, परिवारवाद से भी निकलना चाह रहे हैं, और जात अखिलेश जी की बात तो मान रहा हूँ, ये भी मैं समझ रहा हूँ कि वो अपने परिवारवाद से बाहर निकलना चाह रहे हैं और जातिवाद से भी बाह निकलना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनको निकलने नहीं देना चाह रहे हैं। नितिन जी कुछ कहना? अजय जी राजनीतिक विश्लेषक है, उनका विश्लेषण है तो उसके विश्लेषण को कहीं ना कहीं अगर जो चीजें उनकी अच्छी हैं उसको हम लोग आत्मसात कर लेंगे, उनकी सलाह को हम लोग मान लेंगे। ठीक है, सैयद तकी अहमद मैं आपके पास आना चाहूंगा लास्ट में। इस डिबेट के जरिए आपने ये देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी दल है बीजेपी के अगेंस्ट जो खुद को मजबूत बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपस में उनका जो सामंजस्य है वो नहीं बैठ रहा है, और ये चुनाव के दौरान भी देखने को मिला, उसके बाद नतीजों के दौरान भी देखने को मिला। तो उससे कहीं ना कहीं एक अलग जो पावर है वो आम आदमी पार्टी को मिल सकती है उत्तर प्रदेश में, ऐसा आपको लग रहा है? देखिए, हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी जो राज्य संयोजक हैं, उन्होंने पहले दिन से बात क्लियर कर दी थी कि आम आदमी पार्टी में ऐसे लोगों का स्वागत नहीं है जो किसी पद की लालच में, एमएलए एमपी के टिकट की लालच में, राज्यसभा जी को कह रहे हैं क्या? किसी भी ऐसे व्यक्ति का हमारे यहाँ स्वागत नहीं है जो लालच के लिए आया है। ये संगठन तय करेगा किसको टिकट मिलना है, इसको टिकट नहीं मिलना है। आप आवेदन कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन यहाँ अंत में जो है पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि आपको टिकट मिलना है या नहीं मिलना है, और हम अपनी विचारधाराओं पे, आदर्श के ऊपर कोई भी जीरो टॉलरेंस हमारे आम आदमी पार्टी का पूरा रहा है कि हम करप्शन के ऊपर टॉलरेंस नहीं करेंगे, हम जो देश को जोड़ने वाली ताकत है उनके साथ लेके हमेशा चलेंगे। दूसरी बात, इस तरह से आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव में आपने देखा पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है, और आम आदमी के साथ दिल्ली में भी सरकार है, और गोवा में भी आम आदमी पार्टी के कुछ वहाँ पे एमएलए आए हैं, और अभी हाल में जो चुनाव हुआ है निकाय का, उसमें हरियाणा में भी आपने देखा आम आदमी पार्टी के कुछ सभासद आए वहाँ जीते, और आपने गुजरात में भी देखा, और जम्मू में भी, पूरे देश में कई जगह पे, आसाम में भी आम आदमी पार्टी की सीटें आईं। तो जिस तरह से एक आम आदमी पार्टी की एक्सेप्टेंस बन रही है पूरे देश के अंदर, और बहुत तेज़ी से आम आदमी पार्टी उभर रही है, वो आने वाले 2024 के चुनाव तक अरविंद केजरीवाल एक विकल्प के रूप में बहुत तेज़ी से उभरेंगे, और जनता उनको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि जनता इस वक्त एक मजबूत ऐसे विपक्ष को ढूंढ रही है जो बीजेपी को बीजेपी की जबान में जवाब दे सके और उसको बता सके कि देश के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो जनता है, और हम जनता के लिए पूरी तरह से कर्तव्य हैं, निधि हैं, और हम जनता के ही मुद्दों को हमेशा उठाते आए, उठाते रहेंगे, इसके ऊपर कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा। हम जनता को फ्री बिजली देंगे, जनता का हाउस टैक्स माफ़ करेंगे, पानी की अच्छी सुविधा करेंगे, एजुकेशन करेंगे, स्वास्थ्य पर काम करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, उनको फ्री ट्रांसपोर्टेशन देंगे, रोजगार पैदा करेंगे, बिजली तो सस्ती करेंगे, पेट्रोल डीजल भी सस्ता करेंगे, और जोर नहीं डालेंगे सरकार के ऊपर कि वो जो है ऑस्ट्रेलिया से मंगाया हुआ कोयला 10% ले, वो देश का कोयला जलाए और देश के लोगों को सस्ती बिजली दे, और देश लोगों का पैसा जमाए, पैसा बचाए। आज की डेट में आप देख रहे हैं डॉलर जो गिर बढ़ रहा है लगातार, रुपया गिर रहा है, उसकी मूल वजह यह है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो नोटबंदी के बाद और जीएसटी जैसे गलत उपयोग के बाद बर्बाद हो गई है। लोग बार रोजगार नहीं है, 40 करोड़ लोगों ने भारत के अंदर रोजगार ढूंढना छोड़ दिया भाई साहब, और जब यहाँ पे बहुत बड़ा कोरोना आया था, बहुत सारे श्रमिक जो है उत्तर प्रदेश की तरफ आए थे विभिन्न राज्यों से, तो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था अब इनको वहीं इस्तेमाल करेंगे, इनके टैलेंट को ही इस्तेमाल किया जाएगा, टैलेंट इंडिया बड़ी बड़ी बातें, लेकिन वो कुछ हो नहीं पा रहा है। जितने भी स्टार्टअप स्टार्ट किए गए, ज्यादातर 90% स्टार्टअप जो है वो फेल होते जा रहे हैं, बैंकों का पैसा डूबता जा रहा है, बैंकों पे एनपीए बढ़ता जा रहा है, और सरकार जो है उसके ऊपर सीरियस नहीं हो रही है। तो आम आदमी पार्टी ऐसे मुद्दों को उठाएगी और देश जनता के लिए काम करेगी, उसको अमीर करेगी, क्योंकि हमारी देश जनता ही जो है सबसे बड़ा
भगवान है सबसे बड़ा हमारे लिए, वही आदर्श। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आप सभी, ठीक है, धन्यवाद आप सभी मेहमानों को इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में 24 के चुनाव की तैयारियां जो है वो राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी हैं। अपना जो रोड मैप था उस रोड मैप को भी बदला है विपक्षी दलों ने, और अब सदस्यता अभियान के जरिए, हार की समीक्षा के जरिए ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या कमी रह गई थी और उस कमी को कैसे पूरा किया जाए। देखना ये होगा कि ये तैयारी 24 के चुनाव के लिए कितनी अहम होती है। आज के डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।